और मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से है जहां धोखाधड़ी का अजब गजब मामला सामने आया है। बता दें जहां एक युवक और उसकी महिला सहपाठी ने बुजुर्ग को पीतल की गुनिया को सोना बताया और 19 लाख रुपए लेकर चंपत हो गए। दरअसल युवक ने झांसा दिया कि उसे खजाना मिल गया है और जहां पहले 4-5 सोने के असली गुनिया देखकर वो बुजुर्ग को लालच दिया। जब बुजुर्ग ने सराफा दुकान में दिखाए जाने पर असली पाया तो वह लालच में आ गया। वहीं युवक लगभग 4 किलो नकली सोना बुजुर्ग को थमाया गया। आपको बता दें कि बुजुर्ग नकली गुड़ियों को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा, वहीं एफआईआर दर्ज कराई गई। हाँ, ये मामला आज ही प्रकाश में आया, तत्काल जो है संज्ञान लिया गया, कार्रवाई कराई जा रही है। आपने तत्काल प्राप्ति को जो थाने भेजा और जल्द से जल्दी कार्रवाई को जी। सर, हमारे यहाँ धोखाधड़ी हुई है, नकली जेवर दे गया, 19 लाख रह गया हमसे। कौन दे गया? एक परसों हमको व्यक्ति मिला था, लड़का बरमान में जी। उसने वहाँ मुलाकात की और नंबर ले लिया हमारा, हमसे नंबर ले लिया। कल उसने नरसिंहपुर वाला बुलाया कि मुझे हड़ा मिला है, आओ भाई देख ले थोड़ा सोना है इसमें। हम लोग आ गए, हम नरसिंहपुर आ गए, अस्पताल के मेन गेट पर उससे मुलाकात हुई। वहाँ बाजू में गार्डन है, वहाँ ले गया एक लेडीज थी और वो था, उनने सामान दिखाया, उसमें से 3 गुड़िया दिए हमको। हमने करेली ले जाके जाँच कराया, जाँच करा के निकला तो वो सोना निकला, 3 गुड़िया सोने की निकली। तो उसने शाम को फिर पूछा, पंडित जी क्या है? तो मैंने कहा भाई सही है माल, तो बोला लेना है, तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो आज सवेरे उसने फिर बोला लिया, कल शाम को बात हो गई 19 लाख में देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। तो आज सुबह हम 7 बजे घर से निकले, उसने अस्पताल में बुलाया, उसने वहाँ नहीं मिला, बोला स्टेशन आ जाओ। स्टेशन आ गए, स्टेशन पर मिला, उसने पैसा ले लिए हमसे 19 लाख 11 रुपए, और उसका जो सामान देखा था वो दे दिया, नकली है वो। तो सोने का दे दिया आपको, कितनी माला दी? माला वो तो बड़ी है, करीब 4 किलो के आसपास होगी। कितनी? 2 माला दी। 2 माला दी, एक माला का वजन 2 किलो होगा। फिर आप चेक करवाएं? फिर हम करेली गए, करेली जब दुकानें खुली मार्केट, तो हमने चेक कराया, वहाँ से 5 गुड़िया ले गए घर से। तो वो बोले पीतल है, एसपी साहब ने दिया कि आप थाने जाइए, वहाँ से यहाँ से हम कार्रवाई करेंगे, और थाने में और लिख दे दीजिए, कार्रवाई करेंगे।